हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त रवि दाना, आप देख रहे हो रवि फिटनेस आर एस यूट्यूब चैनल। तो आज बात करने वाले हैं फोरआर्म्स के ऊपर, क्योंकि जो मेरे बिगिनर भाई हैं उनसे वेट नहीं उठता बिल्कुल भी। उनकी जो कलाई है उनकी कलाई में बिल्कुल भी ताकत नहीं होती है। तो कलाई में ताकत लाने के लिए एकदम पावरफुल एकदम अच्छी तरीके से वेट मारेंगे, तो उसी के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताऊँगा। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, एंड तक देखना ना भूलें। तो आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, रवि फिटनेस आर एस के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हो। और आपने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आइए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले थोड़ी जो अपनी कलाइयाँ हैं खोल लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से अपनी जो ये कलाइयाँ अच्छे से खोल लेना है फोरआर्म्स को। और पहले लगाने वाले हैं हल्के मीडियम वेट से एक्सरसाइज। तो पहले लगाएंगे छोटे डंपलों से एक्सरसाइज इस तरीके से सामने की तरफ, ये इस तरीके से ऊपर की तरफ ले जाना आपको पूरा एकदम मसल प्लूड अच्छे से। ये एकदम फोर आर्म्स पूरी तरीके से ट्रेन हो रहे अच्छे तरीके से। तो हर एक्सरसाइज के आपको तीन सेट लगाने हैं और रेपिटेशन अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। जो जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा उनके तीन तीन सेट लगाने आपको। और एक्सरसाइज एकदम अच्छी फॉर्म में करनी है, एकदम आपकी कलाई जो एकदम मजबूत हो जाएगी, कितना भी वेट आप उठा सकते हैं एकदम अच्छी तरीके से। तो अपनी कलाई को मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी है आपको। तो ये चीज़ हमारी पहली एक्सरसाइज। और अब लगाएंगे इस एक्सरसाइज को थोड़े वेट के साथ। इस तरीके से सामने की तरफ, सामने से दिखाता हूँ इस तरीके से, ये सामने ऊपर, ये इस तरीके से। ये जो तुम्हारी बाजू है नीचे की तरफ नहीं रहनी चाहिए, इस तरीके से सामने की तरफ एकदम इस तरीके से पूरा फोकस एकदम फोरआर्म्स पे अच्छे से। तो इस एक्सरसाइज के भी आपको तीन सेट लगाने हैं और रेपिटेशन अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और जो आपकी वर्कआउट की फॉर्म है वो एकदम अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आपके जो मसल हैं फोरआर्म्स के इन पर पूरा लोड आना चाहिए अच्छी तरीके से। तो आइए अगली एक्सरसाइज लगाते हैं। तो अगली एक्सरसाइज आपको कुछ तरीके से लगानी है। इधर से पकड़ना आपको डंपल और ये नीचे फिर ऊपर नीचे, ये इस तरीके से दोनों हैंड हैंड से इस तरीके से एक साथ, ये ऊपर की तरफ, ये इस तरीके से पास से दिखा। तो ये पूरा एकदम फोरआर्म्स पे अच्छे से लोड आ रहा है, ये देखिए पूरी जो वीन्स हैं एकदम अच्छी तरीके से चमक रही हैं इस तरीके से। तो दोनों हैंड से आपको एक साथ ये एक्सरसाइज लगानी है इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो इस एक्सरसाइज के भी आपको तीन सेट लगाने हैं और रेपिटेशन अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। और अब लगाते हैं अगली एक्सरसाइज। तो सेम वेट से लगा लेते हैं इस तरीके से, ये लगानी है आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से, ये पूरा एकदम लोड डालते हुए, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से पूरा लोड एकदम फोरआर्म्स पे अच्छे से, मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन बना के रखना आपको एकदम मसल पे, पूरा जो आपका माइंड है मसल पे होना चाहिए वर्कआउट पे, पूरा ध्यान आपका इस तरीके से। तो इस एक्सरसाइज की भी आपको तीन सेट लगाने हैं और अब लगाते हैं अगली एक्सरसाइज। तो इसमें आपको तो ये एक्सरसाइज आपको इस तरीके से लगानी है, सामने की तरफ खड़े रहना और ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ एकदम खींच के एकदम पूरा, ये पूरा एकदम फोरआर्म्स पे रोड अच्छे से साइड से इस तरीके से, पूरा एकदम लोड डालना आपको फोरआर्म्स पे। तो इस एक्सरसाइज के भी आपको तीन सेट लगाने हैं और अब लगाते हैं आखिरी और फाइनल एक्सरसाइज, जो कि इस तरीके से सामने की तरफ पकड़ना आपको रोड और ये इस तरीके से पूरा लोड आ रहा है एकदम अच्छे से। सामने से दिखा देता हूँ इस तरीके से,
तो दोस्तों ये यही था अपना वर्कआउट, जो अपना फोर आर्म्स है वो अच्छी तरीके से ट्रेन हो चुका है, देखिए पूरी तरीके से ट्रेन हो चुका है। तो इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका जो एकदम फोर आर्म्स है वो अच्छी तरीके से ताकतवर हो जाएगा और आप एक अच्छी तरीके से वेट भी अच्छा उठाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और अगली वीडियो किस टॉपिक पर लानी है कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब कहें जय हिंद और वंदे मातरम।